21 हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज बिटवीन 1 एंड 2। तो हमने देखना है कि उनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो अगर हम इनको आपस में डिवाइड करें तो वो 1 और 2 के मिड में आएगा। तो पहले मैंने ये चेक किया तो ये 2 से ऊपर जा रहा था, ये भी 2 से ऊपर जा रहा था और ये भी। तो जैसे ही मैंने जब ये लास्ट वाला डिवाइड किया इसके साथ तो ये 1.4 आ रहा था, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था 10 को। तो ये 1.4 जो है वो 1 और 2 के दरमियान में आता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि इफ 1/3 ऑफ अ क्लास इन बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स। अब 2/3 हमारे पास बॉयज़ हो गए, ठीक है, 2/3 × 4 = 6, 32 बॉयज़ आ जाता है। तो ज़ाहिर है इसमें 1/3 जो है, 2/3 बॉयज़ होगी तो 1/3 क्या होगा, वो गर्ल्स होंगी। तो मैंने 1/3 लिखा, 48 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 16 आ गया। इसका मतलब है कि 32 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि अगर एक कॉल जो है वो एक कॉल जो है वो एक घंटे की है, ठीक है, और उसका प्राइस जो है, उसकी फीस जो है वो ₹7 है। तो 10 मिनट की अगर मैं कॉल करूँगा तो फिर कितने उसके रुपीज़ चार्जेस होंगे। तो 60 मिनट अगर मैं कॉल भी बात करता हूँ तो मेरे 7 रुपीज़ कट होंगे, ठीक है, चार्जेस लगेंगे। अगर 1 मिनट होगा तो 7/60। अब मैंने दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, उससे मेरे पास आ जाएगा 1.1। इसका मतलब है कि 10 मिनट अगर मैं बात करूँगा फ़ोन पे तो मेरे 1.1 रुपीज़ चार्जेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये था कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 169। तो आपने फैक्टर फाइंड करने, फैक्टर ये कि ये किस किस पे डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है, 13 पे भी होता है, 13 × 13, ठीक है, कम्प्लीटली मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 13 × 13 169 आता है, ठीक है। और इस तरह ये 16 ये ख़ुद पे भी डिवाइड होता है प्रॉपर। तो ये इनके फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक डाइस है, वो उसको हम रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रेटर देन 4 आएगा। ग्रेटर देन 4 इसका मतलब है कि 5 या 6 होगा ना, 5 या 6। 5 6 कितने हुए, 2 हैं, ये 5 और 6 ही 2 हैं, 2 प्रोबेबिलिटी हैं। और टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 साइड्स, तो 2/6 हो गया और 1/3 आ गया हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 ये था कि हमने लार्जेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना था, वो कैसे करेंगे, 2^8 − 1। प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए ये मैटर, ये इसका फार्मूला है 2n − 1। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये 256 आ जाएगा, −1 = 255। फिर मैं इसको सबसे पहले 2 पे डिवाइड करूँ, वो नहीं होता, पूरा डिवाइड होता हो, ठीक है, 3 पे पूरा डिवाइड होता है। 3 पे जब मैंने पूरा डिवाइड किया तो ये 85 आया। अब फिर मैंने 85 को और डिवाइड किया, उसको मैंने और डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 17। अब ये 17 सिर्फ ख़ुद पे डिवाइड होता है और किसी पे नहीं होता। तो ये बेसिकली लार्जेस्ट प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। जिस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो अपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अच्छा, ये भी रिपीट हुआ है, रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ पेंटागॉन विद साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर विद द पैरामीटर ऑफ ऑक्टागॉन ऑफ 6। अच्छा, पेंटागॉन के 5 साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्टागॉन के 8 साइड होते हैं। तो इधर क्या 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 लिखा हुआ है, पेंटागॉन डिवाइड बाय ऑक्टागॉन, साथ हम उसकी जो हर साइड की अपने सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 साइड्स हैं, हर साइड 6 सेंटीमीटर की डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड करेंगे 6 से, हमारे पास 5:8 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा ना, वही 5:8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि हमने डिफरेंस फाइंड करना है ₹1 ऑन 1% ऑफ ₹1, ठीक है। अब 1 तो है, ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं 1 रुपीज़ जो है वो 100 पैसा है, ठीक है। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ था पी, मतलब आंसर 99 के साथ पी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैसा है। तो अब एक सपोज़ कर लेते हैं 1 रुपीज़ जो है वो 100 पैसा है, ठीक है, और ये तो अलग हो गया। अब 1% ऑफ 1 रुपीज़ कितना होता है, वो ₹1 है, ठीक है, ₹1 है, 100 पैसा है, 100 पैसा का 1% 1 ही होता है,
तो ये है वो 100 पैसा ये वाला माइनस ये वाला 1% ऑफ 100 पैसा या 1 रुपीज़। 100 पैसा लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पी लिखा हुआ था, पैसा लिखा हुआ था, तो ये 100 पैसा लिख लेंगे। उसका अगर 1% निकालें तो ये बनता है 1, ठीक है। 100 पी माइनस 1 पी आ जाएगा मेरे पास 99 पी। क्वेश्चन नंबर 29 ये था कि दो नंबर हैं वो इक्वल हैं 48 के, और पहला नंबर जो है वो डबल है दूसरे के। तो सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन बना ली थी ए प्लस बी 48, और दूसरी इक्वेशन बनेगी ए जो है फर्स्ट नंबर जो है वो डबल है दूसरे नंबर के, जो मतलब बी बनना है। अब इससे मैं इजीली ए और बी फाइंड कर सकता हूँ। तो अब मुझे भी पूछा जा रहा है कि आप फाइंड करें कि लोअर नंबर कौन सा है। तो लोअर नंबर इसमें आप देख लें कौन सा है, 16 या 32। 16 अच्छा, 30 क्वेश्चन था। इसमें हमें कहा गया है कि आपने एवरेज फाइंड करना है प्राइम नंबर्स का जो कि 30 से 50 है। अब मुझे पता है कि वो नंबर जो ख़ुद पे सिर्फ डिवाइड होता है और किसी पे ना होता हो, तो वो ये है 31, 37, 41, 43। ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ ख़ुद पे डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर पे नहीं होते। तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सम हो गया। ये टोटल कितने, 5, ये 5 हो गया। अब मैं इजीली एवरेज निकाल सकता हूँ, जो मेरे पास एवरेज आ रहा था 39.8। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा ये था कि हमें इस ये क्वेश्चन की थी, इसको जब हम ओपन करते थे, ओपन किया तो हमारे पास आ गया 4² - 12a + a, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। इसको मैं ए ले लूँगा, इसको बी ले लूँगा, इसको सी ले लूँगा। अच्छा, मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास ये 144 - 144 या आप इसमें 0 हो जाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये रह जाएगा, ठीक है। 12/2a रह जाएगा, ए की जगह मैं पुट करूँगा 4, तो ये आ जाएगा 12/8। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है ए जो है वो 3/2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 33 ये था कि बेसिकली मैं इसको डिवाइड करना था और मैं एलसीएम लेना आना चाहिए 100, इससे मैं डिवाइड करूँगा तो ऊपर 100 आ जाएगा माइनस 1/100, जो कि हमारे से 0.99 आंसर बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि ये दो ये नंबर्स गिवन थे, तो इसमें बेसिकली हमने डिवीज़न को ज़रा प्रॉपर तरीके से करना है। इस डिवीज़न को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा, 3/4 हो जाएगा 4/3 से, ये भी 4/3 से 3/4 हो जाएगा। कैंसिल जब हम करेंगे तो हमारे पास 3/2 रह जाएगा। तो ये डिवाइड को फिर हम ये 3/2 को 2/3 लिख दें तो ये फिर इस तरह चेंज होके जब हम इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 ये भी पास पेपर से आ चुका है। इफ़ वाटर टिप मोर देन 15% ऑन अ मील एंड द टिप इज़ मोर देन 4 रुपीज़, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द मील बिफोर टिप राउंडेड टू द नियरेस्ट। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ मील जो है ना वो एक्स है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्राइस ऑफ मील जो है वो 15% है, वो ग्रेटर है, मतलब 15% ऑफ एक्स 15% मल्टीप्लाई बाई एक्स इज मोर ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब सिंबल करना ये है कि 15% को ओपन करूँगा तो ये 0.15 आ जाएगा, इस 0.15 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये मेरे पास 26.6 आ गया या 27 आ गया, ये ऑप्शन में मौजूद होगा, इसको आपने करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36 ये था कि आपने यहाँ पे अंडर रूट लेने हैं, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर लेने हैं बहुत साइड से लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x जो है वो 8 आ जाएगा।